आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का काफी प्रभाव रहा। बड़ी संख्या में लोग इससे हताहत हुए, किंतु ईश्वरीय शक्ति से अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश की स्थिति सामान्य होती जा रही है। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के चलते सभी धर्मस्थल भी बंद कर दिए गए हैं, परंतु बिना प्रभु की कृपा के इस बीमारी को समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बैग ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा है कि अब सरकार को प्रदेश के धार्मिक स्थल खोल देने चाहिए। आज मध्य प्रदेश सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बैग ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कोरोना की गंभीर महामारी के कारण आम जनता द्वारा धर्म स्थलों पर पूजा अर्चना एवं इबादत पर प्रतिबंध के साथ ही साथ धार्मिक स्थलों पर भी शासन प्रशासन ने रोक लगाई है, जिसका पालन बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर, गुरुद्वारा के साथ ही छोटे छोटे धार्मिक स्थलों ने भी पूरी तरह से करते हुए धर्म स्थल बंद कर दिए थे। आज देश प्रदेश एवं इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण में काफी कमी आई है। श्री बैग ने कहा कि मेरा शासन प्रशासन से आग्रह है कि धार्मिक स्थान खुलने से आम नागरिक अपनी अपनी भावनाओं से पूजा पाठ एवं दुआ आदि रखेंगे, जो निश्चित ही कोरोना की जो गंभीर बीमारी फैली है उससे आम जनता को मुक्ति मिलेगी। आज जब आम नागरिक अपने धर्म अनुसार मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों एवं गिरजाघरों में पूजा पाठ, हवन, इबादत करेगा, तो निश्चित ही आम जनता का आत्मविश्वास बढ़ेगा एवं ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव से कोरोना महामारी खत्म होगी। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि जो भी धार्मिक स्थल बंद है उन्हें शीघ्र ही खोलने के लिए विचार कर सभी धार्मिक स्थान शीघ्र खोलने के आदेश प्रदान करें। और 1.25 माह से पूरा देश में के जो राज्य हैं सभी राज्यों में धार्मिक स्थल पूर्ण रूप से बंद कर दिए थे। बंद करने का कारण था पूरे देश के अंदर कोरोना की गंभीर लहर चली थी। आम नागरिक, आम परिवार के लोग कोरोना से काफ़ी ग्रस्त हो गए थे, काफ़ी लोग मरे भी। तो इस बीच पूरे धार्मिक स्थल बंद हुए, सभी समाज के लोगों ने शासन और प्रशासन का पूरा मदद करते हुए, सहयोग करते हुए अपने धार्मिक स्थान बंद रखे। मेरा ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने इसलिए अनुरोध किया एक पत्र के माध्यम से और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से अनुरोध किया है कि शीघ्र ही धार्मिक स्थान खोलने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक हो, विचार विमर्श हो और धार्मिक स्थल तुरंत खोलने पर विचार होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना ईश्वर के, बिना अल्लाह के, बिना मालिक के कभी भी कोई भी बीमारी की मुक्ति नहीं मिलती है। आज ये स्थान ही अपन ने बंद कर दिए हैं और उस स्थान से जहाँ से दुआ होती है, जहाँ से पूजा हवन होता है, पूजा पाठ किया जाता है, वो स्थान बंद हुए हैं। तो इससे आदमी की भावना और जिस धार्मिक से जुड़ा है, जो व्यक्ति जिस धर्म से जुड़ा है उसके भावनाओं पर भी हाथ हुआ है। अब मेरा निवेदन है कि पूरे देश के अंदर कोरोना की लहर जो है धीरे धीरे कम हो गई है और काफ़ी कम हुई है, इसलिए अब साबित जो अपने धार्मिक स्थल हैं उन्हें तत्काल रूप से खोल देना चाहिए और उन्हें अनुमति देना चाहिए पूजा की, हवन की और अपने अपने धर्म अनुसार जो इबादत होती है उसकी परमिशन अब देना चाहिए। इससे कोरोना से मुक्ति मिलेगी, आम जनता को राहत मिलेगी। क्या आपको लगता है कि ईश्वरीय शक्ति से ही इस तरह की महामारी को खत्म किया जा सकता है? देखो, ऐसी कई महामारी आई है। ये कोरोना के से पहला जो महामारी आई थी, जब हम छोटे हुआ करते थे, हम बच्चे हुआ करते थे, उस टाइम भी गंभीर गंभीर बीमारियाँ पूरे देश ने, पूरे विश्व में फैली हैं। ईश्वर ही एकमात्र है। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में
ऑक्सीजन की कमी हुई। कभी ईश्वर अपनी ऑक्सीजन बंद कर दे तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए। तो आज जिस ईश्वर ने और जिस ईश्वर के कारण अपन पूरी दुनिया में आए हैं, उस ईश्वर के घर बंद कर दें तो ये गलत है। अब ईश्वर के घर खोलना अति आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना से मुक्ति पाना है तो ईश्वर के घर खोलना जरूरी है।